एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी विच इज आ पार्ट ऑफ एकेडमी। तो दोपहर 1:30 PM यानी डेढ़ बज चुके हूं और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जहां सिलेक्शन बैच RRB ग्रुप डी में देखेंगे हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने कल भी देखा, आपको याद होगा, और इस सेशन की बात करें तो कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस देखे। जैसा कि यू नो दैट, आपको पता ही है कि आपके RRB ग्रुप डी में 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 45 सवाल देखने को मिलते हैं। उस 45 सवाल में मैंने कल आपको 25 पढ़ाए, फिर मैंने आपको आज 25 पढ़ाए, लगभग 50 सवाल इससे करके धीरे धीरे ग्रुप डी और CBT 2 दोनों हम देखते चले जाएंगे, दोनों हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज यकीनन आपको ये लगेगा कि सर प्रीवियस ईयर सब पेपर में कैसा सवाल पूछा गया है, हमारी तैयारी कैसी है, सर RRB रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब से स्टार्ट है। भाई साहब, RRB रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब से स्टार्ट है ये रेलवे तो बताया नहीं है, लेकिन RRB ग्रुप डी का पेपर जब से स्टार्ट होगा आपको जानकारी जरूर मिलेगी। अभी चल रहा है CBT 1, अभी CBT 1 पेपर चल रहा है, अभी तक रेलवे ने बताया नहीं है, है ना। तो कौन कौन जुड़ चुके हमारे साथ, ससे जी, संदीप मौर्य, अनिष्का, असलाम, डेडमैन, खुशबू। 11:05 पे मेरी क्लास चलती है बिल्कुल डिटेल में प्लस पे रेलवे कैटेगरी में। तो अगर आपका CBT 2 है और ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं साथ में, तो यू कैन ज्वाइन दिस पार्टिकुलर बैच। आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड BABA10 लगाकर, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में जितने भी रेलवे का पेपर होंगे सब कुछ कवर करेंगे इसमें, है ना भाई। और UPSI आज है 2 अप्रैल, और याद रखिए 2 अप्रैल 2011, आज से 10 साल पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धोनी का वो विजयी छक्का जिसने भारत को 28 साल के बाद फिर से वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था। यानी भारत 2 बार खिताब जीत चुका है, 3 बार फाइनल पहुंचा है, 2011 में, 2003 में फाइनल पहुंचा था, हारा था जो, है ना भाई। तो आप UPSI का दूसरा दिन फॉर्म भर सकते हो बिल्कुल, और प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होगा, पार्टिसिपेट जरूर करें। दोपहर 12 बजे रेफरल कोड BABA10 लगाकर बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगना, बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है भाई। ठीक है भाई, आप डिटेल में आ सकते हो हमारे साथ थ्योरी पढ़ने के लिए, कहाँ प्लस पे, जहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन SSC एग्जाम वाले कैटेगरी में। अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आपको या आपके दोस्त को, तो आप रेफरल कोड BABA10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वन बोथ नोबेल एंड ऑस्कर अवार्ड, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नोबेल और ऑस्कर दोनों पुरस्कार जीता है, बॉब डिलन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, या बोथ, या कोई नहीं। सवाल नंबर 1, जल्दी स्टार्ट करोगे कि नहीं। कुछ बच्चे रॉकेट के नोक पे बैठ के आते हैं कि या तो DRDO या इसरो कोई ना कोई प्रक्षेपण कर दे और वो सीधा लॉन्च करे ग्रुप डी वाले पेपर के दिन। अरे यार पढ़ लो, है ना, पेशेंस रखो माय डियर, पुराने स्टूडेंट हो, क्यों ना सीखिए, ऐसा करते हो तो बोथ यानी दोनों। तो बॉब डिलन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दोनों व्यक्ति को नोबेल और ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। नोबेल जहां सबसे बड़ा अवार्ड, और ऑस्कर की बात करें तो अकेडमिक अवार्ड बोलते हैं ऑस्कर को। क्या बोलते हैं? अकेडमिक अवार्ड बोलते हैं ऑस्कर को। दैट मीन्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और 1938 में ऑस्कर को सर्वश्रेष्ठ लेखन और पटकथा के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि बॉब डिलन की बात करें तो बॉब डिलन ने 2000 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकेडमिक अवार्ड थिंग्स चेंज्ड और साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार जीता है। क्लियर है? PSLV से, हाँ मुझे भी लग रहा है PSLV या GSLV जिससे भी है लॉन्च करवा दें इसे, है ना भाई। सवाल नंबर 2, द वेव्स यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल आर, टीवी रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल की जाने वाली तरंगे हैं एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज,
गामा रेज या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर दो, जल्दी बताओ क्या होगा। पिक्चर दिखाऊं पहले? किसकी पिक्चर देखनी है? किसकी पिक्चर देखनी है जरा बता दीजिए, मैं दिखाई दूं पिक्चर। बताओ क्या होगा, सवाल नंबर दो की बात करने दो। तो टीवी रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल की जाने वाली जो है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यूवी रेज, कुछ लोग तो यूवी को भी ले आएंगे, कुछ लोग अल्ट्रा वायलेट रेज को भी ले आएंगे। मतलब क्या चाहते हो कि टीवी रिमोट कंट्रोल में यूवी रेज यूज होगा? अरे भाई साहब, जब टीवी रिमोट कंट्रोल में यूवी रेज होगा तो घर घर में स्किन कैंसर देखने को मिलेगा, घर घर में स्किन कैंसर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी राहत ओजोन परत करती है। तो क्या होगा ये? नन। क्या होगा? नन होगा। आ रही बातें समझ में? क्या होगा? इंफ्रा रेड होगा, इंफ्रा रेड, इंफ्रा रेड होगा, है ना, इंफ्रा रेड होगा। बिल्कुल याद रखना, इंफ्रा रेड होगा। अब ये देखो, कुछ कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफ्रा रेड रेज का डिस्कवरर कौन है? विलियम हर्सेल, लॉन्ग रेडियो वेव मार्कोनी, और मार्कोनी ने रेडियो का भी आविष्कार किया। शॉर्ट रेडियो वेव को हेनरी हर्ट्ज, कैथोड रे, जे जे थॉमसन, एनोड रेज, गोल्डस्टीन। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अल्फा रेज की खोज डिस्कवर खोज किसने किया? रदरफोर्ड। बीटा रेज का डिस्कवर रदरफोर्ड। गामा रेज का हेनरी बेक्यूरेल। एक्स रेज का विलियम रॉन्टगेन। और अल्ट्रा वायलेट का रीटर। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चे? जरा बता दो, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आएगा? नहीं हिमांशु, ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में पूछेगा, ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। सवाल नंबर तीन, द रेड कलर ऑफ राइप टोमेटोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर तीन, जल्दी। जल्दी। ओहो, पृथ्वी ने कहा हाय संध्या। संध्या जी आप कहें तो हाय। हे भगवान, बेटा सब दिखावा है, कितनी बार समझाएं, यहां प्रमोद पूजा है, पूजा प्रमोद है। हे भगवान, कोई तो बच्चे को समझा दो यार। भैया क्लोरोफिल के कारण हरा होता है लाल नहीं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा हरी होती हैं, पत्तियां हरी होती हैं। तो कैरोटीनॉइड जिसका एग्जांपल लाइकोपीन है, जिसका एग्जांपल लाइकोपीन है, जिसका एग्जांपल लाइकोपीन है, याद रखना, जिसका एग्जांपल क्या है? लाइकोपीन है, है ना भाई। तो एकमात्र हार्मोन जो फलों को नेचुरल रूप से पकाता है वो क्या होगा? एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन, एथिलीन, है ना, एथिलीन, याद रखना। तो लाइकोपीन एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है और बीटा कैरोटीन के रूप में एक ही कुल से संबंधित है। तो पके हुए टमाटर में 85-90% लाल रंग लाइकोपीन कैरोटीनॉइड की उपस्थिति के कारण देखने को मिलता है। क्लियर है भाई? टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, और टमाटर को लव एप्पल बोलते हैं। ये पूछा है कई बार, टमाटर को क्या बोलते हैं? लव एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टोमेटो को लव एप्पल बोलते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सवाल नंबर चार, इन विच ईयर द नरेगा वॉज रिनेम्ड एज द मनरेगा, किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया था? 2006, 2008, 2009, 2010। सवाल नंबर चार जरा बता दो क्या होगा। किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया था? पंकज जी मैराथन लगेगा कल अनअकैडमी पे, कल अनअकैडमी पे मैराथन है, ठीक है, जुड़ना, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल रिवीजन कराएंगे सब फिर से। तो नरेगा का नाम बदलकर 2009 में रखा गया था, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा,
नरेगा की स्थापना पहले की जाती है, शुरुआत की जाती है, बाद में महात्मा गांधी को चिपका दिया जाता है, बना दिया जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहला ऐसा एक्ट बना भारत में कि मजदूरों को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, और अगर नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, अलाउंस दी जाएगी। तो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2009 को, समझना, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया, दैट मीन्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में नरेगा का नाम बदल दिया। तो सर अब सवाल बनेगा कि नरेगा कब लॉन्च किया गया, तो यह बिल 7 सितंबर 2005 को संसद द्वारा पारित होता है और 2 फरवरी 2006 से नरेगा लागू हुआ। अब दो सवाल आपके लिए बन गए, अगर सवाल आता है नरेगा की शुरुआत कब की गई तो क्या कहोगे, 2 फरवरी 2006 को, मनरेगा की शुरुआत कब की गई तो 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। क्लियर है, आ रही बातें समझ में, है ना। सवाल नंबर 5, वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अरे पंकज जी कहा इतना लंबा लंबा कमेंट करते हो, भाई पढ़ लो, सुबह 8:05 पे क्लास है, 8:05 वाली क्लास करना एसएससी कैटेगरी में, तो मैं दिन भर का शेड्यूल आपको बता दूंगा कब मेरी क्लास होगी, है ना। तो भैया विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। तो बेटा वर्ल्ड हिंदी डे है, ना कि नेशनल हिंदी डे, ये समझना होगा कि क्या पूछ रहा है, विश्व पूछ रहा है या भारत के लिए पूछ रहा है, है ना। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल और वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल, तब 18 अप्रैल है ना। सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल गेम ऑफ द कंट्रीज, निम्न में से कौन देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में सही नहीं है, बांग्लादेश फील्ड हॉकी, भूटान तीरंदाजी, चीन टेबल टेनिस, श्रीलंका वॉलीबॉल। याद रखना आज वाले क्लास में केवल स्टैटिक जीके आपको मिलेगा, स्टैटिक जीके होगा, देख रहे हो आप। तो बताओ राष्ट्रीय खेल के बारे में सही नहीं है क्या होगा। भैया बांग्लादेश का क्या है, हुतुतू यानी कबड्डी, क्या है, कबड्डी है बांग्लादेश का, जबकि भूटान का तीरंदाजी, चीन का टेबल टेनिस, श्रीलंका का वॉलीबॉल है। क्लियर है, बुझाता नहीं, लाइकन सब चलाक हो गवा, बुझाता कि कहां गलती है कहां सही, है ना। सवाल नंबर 7, भैया पंडित शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है, संतूर, सितार, बांसुरी, सरोद। सवाल नंबर 7, जल्दी बेटा, वॉलीबॉल नहीं है, बेसबॉल है, यूएसए, यूएसए का बेसबॉल है, यूएसए का बेसबॉल है, वॉलीबॉल नहीं है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं, संतूर। अच्छा जरा बताओ पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, चलिए देखें क्या बताते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संबंध है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर राज्य के जगह पे आप यूटी कर दो, है ना। सिख भारतीय संतूर वादक हैं, भारतीय संतूर वादक हैं, जम्मू कश्मीर, कहां से है, जम्मू कश्मीर है। क्लियर है भाई।
शिव कुमार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है 1985 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मारद नागरिकता, 1986 में संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड, 1901 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण याद रखना, ठीक है। अब ये देखो संतूर ऐसे दिख रहा होगा, आपने देखा होगा, अगर ना देखा हो तो देख लो। संतूर भारत का एक बहुत ही प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है। इस उपकरण का मूल नाम साता तंत्री वीणा था, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा में 100 स्ट्रिंग्स का एक वीणा होता है ना भाई। संतूर साबुन में समझ लेना। आगे देखो, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर, किसे पहला गैर क्षत्रिय शासक माना जाता है? कालाशोक, उदयन, महापद्मनंद, अजात शत्रु, सवाल नंबर 8, जल्दी। मैं लगा सर यूटी बोलकर खेल रहे हैं। ना ना निरंजन, ऐसा ना भाई, बताओ। तो पहला गैर क्षत्रिय शासक पता है, मैंने पढ़ाया है कई बार, महापद्मनंद, नंद डायनेस्टी। और पहला अगर ब्राह्मण वंश बोलते तो शुंग डायनेस्टी, बच्चे शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, है ना। महापद्मनंद क्या है? पहला गैर क्षत्रिय शासक, यानी शूद्र शासक है। बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इन विच ईयर डिड सोनिया गांधी गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता किस वर्ष मिली है? देखो सवाल पूछे गए 1982, 1983, 1985, 87, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। मैंने आपसे ही पढ़ा था, बहुत बढ़िया रफ्तार एसएससी, बता दो। गुड आफ्टरनून भाई नंदनी पाल जी। सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता किस वर्ष मिली है? 1983, 1983 में, 1983 में। सोहन चौरसिया शिकारी 2.0, अच्छा, मतलब शिकारी पहला फेज का था वो सफल ना हो पाया। स्वीटी जी आप 4 साल आगे हैं। तो सोनिया गांधी के पप्पा स्टेफनो माइनो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी राजीव गांधी से हो भैया, लेकिन प्यार हुआ, इकरार हुआ, आंखें मिली, तो 1968 में ब्याह होता है दोनों का और सोनिया गांधी भारत आती है। 1983 में भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली गई, याद रखना। 1983 इज करेक्ट, है ना। कांग्रेस के मैक्सिमम टाइम के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 10, अल्फा कैरेटिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन, अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो कहां पाया जाता है? ब्लड, स्किन, वूल, एग्स, सवाल नंबर 10। अल्फा कैरेटिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन, अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो कहां पाया जाता है? हां तो और क्या, तो भैया अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है बच्चे, वो कहां पाया जाता है? हमारे स्किन में, हमारे स्किन में, हमारे नेल में, हमारे बाल में क्या पाया जाता है? अल्फा कैरेटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है भाई। तो अल्फा कैरेटिन स्तनधारियों में, मैमल्स में पाए जाने वाले एक प्रकार का प्रोटीन है जो संरचनात्मक प्रोटीन है। ये प्रोटीन बाल, सींग, नाखून, त्वचा के एपिडर्मस परत में पाए जाते हैं, है ना। तो क्या होगा? स्किन होगा, क्लियर। कहां उल के चक्कर में हो, कहां उल के चक्कर में हो, गलती क्यों लगाते हो, चलान क्यों कटवाते हो, क्यों गलती लगाते हो? सवाल नंबर 11, इन विच टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स रिंग ऑफ फायर अकर्स, किस प्रकार का सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर होता है? हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, कुंडलाकार सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी, किस प्रकार का सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर होता है? किस प्रकार का होगा बताओ जल्दी, क्या होगा?
एनुलर सोलर इक्लिप्स, कुंडलाकार सूर्य ग्रहण होगा, क्या होगा, कुंडलाकार सूर्य ग्रहण एनुअलर सोलर इक्लिप्स होगा। बहुत बढ़िया टिंकू जी, बहुत बढ़िया टिंकू जी, क्या बात है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य सूर्य ग्रहण के बीच सीधे गुजरता है तो ऐसा कहा जाता है चंद्रमा हमेशा क्या होगा, पूरे सूर्य को कवर नहीं कर पाएगा। जब कवर नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल अंगूठी की तरह दिखेगा, और जब अंगूठी की तरह दिखेगा तो क्या कहेंगे, कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कहेंगे, जिसे रिंग ऑफ फायर कहेंगे। आप इमेज में देख सकते हो, जैसे ये सूर्य है, ऊपर में कौन है, मून है, कवर कर नहीं पा रहा है, तो ये बिल्कुल अंगूठी, अंगूठी में नगीना दिख रहा है, बिल्कुल अंगूठी की तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल अंगूठी की तरह दिख रहा है, कुंडलाकार है ना। फोटो देखिए समझ में आता है, फोटो की तो बात है भाई, फोटो की तो पैसे हैं, फोटो आएगा तभी तो पसंद आएंगे, ठीक है, याद रखना। हु डिस्कवर्ड हैवी वाटर, भारी जल की खोज किसने की, मार्टिन हेनरिक कल्प्रोथ, हेराल्ड सी यूरे, लॉरेंट सोरेनसन या हेनरी बैकुरेल। सवाल नंबर 12, जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, हु डिस्कवर्ड हैवी वाटर, भारी जल की खोज किसने की थी। जल्दी, तो भारी जल की खोज बच्चे किसने किया है, हेराल्ड सी यूरे ने, हेराल्ड सी यूरे ने, है ना। अच्छा जरा बताना, यूरेनियम की प्राप्ति पिच ब्लेंड से होती है, पिच ब्लेंड से होती है, यूरेनियम की प्राप्ति पिच ब्लेंड से होता है, इसकी जानकारी किसने दी थी। चलिए देखें कितने लोगों को पता है, यूरेनियम की प्राप्ति पिच ब्लेंड नामक अयस्क से होगा, इसकी इंफॉर्मेशन किसे, किसने दिया, मार्टिन हेनरिक कल्प्रोथ, लॉरेंट सोरेनसन, हेनरी बैकुरेल या हेराल्ड सी यूरे। तो क्या होगा, मार्टिन हेनरिक कल्प्रोथ ने 1789 में पिच ब्लेंड अयस्क से यूरेनियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, मार्टिन हेनरिक कल्प्रोथ को दिया जाता है, जबकि यूजिन मेल्चियर ने यूरेनियम धातु को अलग करने वाला पहला व्यक्ति बना, जबकि रेडियोधर्मी की खोज, गुणों की खोज 1896 में हेनरी बैकुरेल ने की थी, ठीक है। जबकि भारी जल का आविष्कार 1932 में दो लोग थे बच्चे, यूरे और वाष्पर्न ने, ठीक है। यूरे को 1934 में भारी हाइड्रोजन और भारी जल की खोज के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति के बारे में कौन सा सही नहीं है। सवाल नंबर 13 जरा बता दें, प्रकाश की गति सबसे पहले रोमर ने मापा, निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम है, स्पष्ट रूप से प्रकाश केवल तरंग के रूप में व्यवहार करता है या विद्युत बल्ब प्रदीप्त पिंड है। सवाल नंबर 13 का जवाब क्या हो जाएगा जरा बता दें कमेंट बॉक्स में, जल्दी। प्रणाम भैया दीपक सिंह ढिल्लो। तो क्या होगा बच्चे, ये देखो सवाल नंबर 13 की बात करें, प्रकाश की गति सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया, रोमर के द्वारा, बहुत सही। निर्वात में प्रकाश की गति मैक्सिमम होगी, बिल्कुल, क्योंकि गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रकाश केवल तरंग के रूप में काम करता है, नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट। तो क्या होगा, प्रकाश दोनों रूप में काम करता है बच्चे, या तो वो वेव के रूप में या पार्टिकल के रूप में, वेव के रूप में ये है, पार्टिकल के रूप में ये है, आप देख सकते हो इमेज में भी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ सार्क, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य है, मलेशिया, मॉरिशस, मालदीव, म्यांमार। सवाल नंबर नेक्स्ट, तो माय डियर क्या होगा, मालदीव, क्या होगा, मालदीव होगा, बहुत कंफ्यूजन है। तो जब सार्क की स्थापना की गई ना, तो 7 संस्थापक सदस्य थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ है। एक चीज और याद रखना कि स्थापना 1985 में होता है, कहां, ढाका में,
हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिशन मेटल्स, कौन सा तत्व संक्रमण धातुओं से संबंधित नहीं है? बिस्मथ, जिरकोनियम, जस्ता या क्रोमियम? सवाल नंबर 15, जल्दी। तो बच्चे कौन सा तत्व संक्रमण धातुओं से संबंधित नहीं है, क्या होगा बताओ? देखो जिरकोनियम भी है, जिंक भी है, क्रोमियम भी है, बिस्मथ क्या होगा? बिस्मथ, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये संक्रमण धातु से संबंधित नहीं है, क्या है? नॉन मेटल में आ जाएगा, ये नॉन मेटल में आएगा, क्या आएगा? नॉन मेटल में आएगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है भाई, ठीक ना, नॉन मेटल में आएगा। जब ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो ये पूरे ट्रांजिशन मेटल है, ये पूरा ट्रांजिशन मेटल है, चाहे आप टाइटेनियम की बात करें, जिरकोनियम की बात करें, चाहे कॉपर की बात करें, चाहे जिंक की बात करें, है ना, बिस्मथ। जबकि बिस्मथ कहां? ये बिस्मथ है जो नॉन मेटल है। सवाल नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन बोन, मानव हड्डी के बारे में कौन सही है? जल्दी, मांसपेशियां और हड्डियां एक साथ लिगामेंट से जुड़े होते हैं, हड्डियां और हड्डियां एक साथ टेंडन से जुड़े होते हैं, कान में 5 हड्डियां होती हैं, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 16, जल्दी बच्चे क्या होगा? अभी तक किसी का जवाब नहीं दिखा। ननौती, जिनमें से कोई सही नहीं है भैया, क्या गलती है? कान में 6 हड्डी होता है बच्चे, कान में 6 हड्डी होगा, जबकि मांसपेशी और हड्डी, टेंडन और बोन्स और बोन्स लिगामेंट, क्या होगा? नन, कोई नहीं। तो मांसपेशी और हड्डियां एक साथ किससे जुड़ते हैं? टेंडन से जुड़ते हैं। कैसे याद रखोगे? MBT, हड्डियां और हड्डियां एक साथ जुड़ते किससे? लिगामेंट से। कैसे याद रखेंगे? BBL। और कान में 6 हड्डियां होंगी, कौन कौन? 2 मैल्यूस, 2 इंकस, 2 स्टेपिस, ये सबसे छोटा भाग, सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी। ठीक है, द इंडियन एलिफेंट इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, भारतीय हाथी निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, MP। सवाल नंबर 17, बताओ क्या होगा, जल्दी बच्चे। देखो क्या होगा भाई, झारखंड, क्या होगा? झारखंड, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, याद रखना। तो मध्य प्रदेश की बात करें, बारहसिंगा, साइंटिफिक नेम रुकवर्स डुवर्सेली, उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा स्वैंप डियर, MP और यूपी का एक है, MP और यूपी का एक है, झारखंड का भारतीय हाथी और तमिलनाडु का नीलगिरी तहर, ये दोनों के दोनों साइंटिफिक नेम भी देख लेना, तो आपके सामने ये है, है ना। सवाल नंबर 18, द रिंग्स ऑफ सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स आर द ब्लू एंड ब्लैक कलर्स, व्हाट आर द कलर्स ऑफ अदर 3 कलर्स, ओलंपिक खेलों के प्रतीक के 2 रंग नीले और काले रंग के हैं, अन्य 3 रंगों के रंग क्या है? हरा लाल बैंगनी, लाल बैंगनी हरा, हरा गुलाबी पीला, हरा पीला लाल। सवाल नंबर 18 क्या होगा, जल्दी। मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, UPSI का क्लास हो रहा है लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, आप देख लेना भाई, 2:30 बजे क्लास होता है बच्चे। ये देखो जो सिंबल है भाई, वो प्रत्येक अलग रंग है, दुनिया के 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है ये, जो ओलंपिक ध्वज के केंद्र में देखने को मिलता है, ओलंपिक ध्वज के केंद्र में
देखने को मिलता है। तो क्या आएगा? और देखो दो है भाई, क्या दिखेगा? ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड। अब यहां देख लो कि नीला रंग किसको इंडिकेट करेगा भाई, नीला रंग किसको इंडिकेट करेगा बच्चे? यूरोप को। नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, लाल रंग अमेरिका को, हरा रंग ओशिनिया को। ये देखो ये आपके सामने, ये याद कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना, इसे भूलना मत। पिछड़ा था फॉलोइंग, हाँ बच्चे डी आएगा ऑप्शन में, गगन डी आएगा। पिछड़ा था फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है? विकलिक्स, जूलियन असांज, टेलीग्राम पॉवेल दुरोव, व्हाट्सएप ब्रायन एक्टन, या इंस्टाग्राम ट्विटर द्वारा विकसित किया गया है? सवाल नंबर 19, केरला कर्नाटक झारखंड। ओके रियाजुद्दीन, मैं आपको ना अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में पढ़ा दूंगा बच्चे, जल्दी। कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? तो इंस्टाग्राम सही नहीं है। इंस्टाग्राम को कौन डेवलप किया? इंस्टाग्राम को फेसबुक डेवलप किया है। कौन किया बच्चे? फेसबुक किया है, ट्विटर नहीं, ट्विटर नहीं, है ना, क्लियर है? ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। जबकि विकिलीक्स, जूलियन असांज, टेलीग्राम पॉवेल दुरो, व्हाट्सएप ब्रायन एक्टन, या किस सामने, क्लियर है ना? अब देखो व्हाट्सएप की बात करें तो सर इसकी स्थापना 2009 में की गई, मुख्यालय कहां? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। कब अधिग्रहण किया इसे? फेसबुक ने 19 फरवरी 2014। किसने स्थापना की? तो ब्रायन एक्टन ने इसकी स्थापना की है ना। इंस्टा फेसबुक द्वारा विकसित किया गया भाई, 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया। ऑनर फेसबुक है, फाउंडर कौन है? केविन यॉर्क सिस्ट्रॉम है। जबकि सवाल नंबर 20, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो यू नो दैट, आपको पता है कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहां? तो खजुराहो, खजुराहो टेम्पल, जो चंदेल शासक बनाते हैं, चंदेल शासक बनाते हैं, है ना। 2020 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of hockey India in 2020? 2020 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है भाई, 6 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। सवाल नंबर 22, तो बच्चे उत्तराखंड में किया गया, कहां? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। राज्य के 20वें स्थापना दिवस को 9 नवंबर 2020 को चिन्हित किया गया था, ठीक है। तो उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अभी मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन इंग्लिश में देखोगे तो टीएस रावत ही हैं। यह भारत का सबसे लंबा झूला पुल ये आपके सामने है ना। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 7 नवंबर, 28 फरवरी। सवाल नंबर 23, जल्दी सेशन अगर अच्छा लगा हुआ तो बच्चे लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना बच्चे। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब? 10 नवंबर, लेकिन भारत के लिए विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 मत लगा देना, वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। सर आरआरबी ग्रुप डी में 2020 का क्वेश्चन कैसे आया? अरे मेरे भोलू लाल, 2018 करंट अफेयर्स पढ़ने से कुछ फायदा होगा क्या? तो कुछ सवाल तो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भोलू लाल, बता दो, करंट अफेयर्स चेंज करेंगे ना करें? 2018 का पढ़ा दें तो उसमें भी कहोगे सर 2018 का पढ़ने से क्या फायदा, हे भगवान, कैसे समझाएं इसको। तो शांति और विकास के लिए
विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? 10 नवंबर को मनाते हैं, बिल्कुल याद रखना। 10 नवंबर को मनाते हैं, बिल्कुल याद रखना। पक्के टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सवाल नंबर 24, जल्दी। तो पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर क्षेत्र से पहला रिजर्व बन गया भैया, जो अपने ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करेगा। अब आ जाए सवाल नंबर 25। वेयर इज द संपूर्णानंद स्टेडियम लोकेटेड? संपूर्णानंद स्टेडियम कहां स्थित है? जयपुर, वाराणसी, पटना, इंदौर। सवाल नंबर 25 बताइए जल्दी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो संपूर्णानंद स्टेडियम की बात करिए, वाराणसी में है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। कहां पे ये? वाराणसी है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास परिसर का भी उद्घाटन हुआ था। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन। आई होप सो गाइस, इंजॉय किया होगा आपने 25 सवाल, बिल्कुल मजा आया होगा अलग तरीके से। जो आपने 2020 का करंट अफेयर देखा ना, 2018 में करंट अफेयर पूछे गए थे, लेकिन 2018 का करंट अफेयर पूछने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने कुछ चेंज किया है। बोलो जय जय सियाराम की जय। अब मेरी जो प्लस क्लासेस है 11:05 पे मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, जो बिल्कुल फाउंडेशन है, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप रेलवे सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, जहां भी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने वाला है परसों, ठीक है भाई। 2020-2021 का करंट अफेयर आएगा भाई, और यूपीएसआई का फॉर्म कल से शुरू हुआ था। यूपीएसआई का ये कहाँ किस में मिलेगा? तो ये रेलवे वाले कैटेगरी में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ रेलवे कैटेगरी में, ठीक है। चलिए, और अगर आपको लगता है सर मैं बिल्कुल डिटेल पढ़ना चाहता हूँ, तो आप हम एसएससी एग्जाम थ्योरी में आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, रेफरल कोड बाबा10 लगाकर भाई। कॉम्बेट जरूर दें प्रत्येक संडे को दोपहर 12 बजे, ठीक है। अनकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आपको या आपके दोस्त को, तो रेफरल कोड बाबा10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर नए क्लास में, और कल कई सारे क्लास की भरमार होगी, तो सुबह 8:05 में स्पेशल क्लास में जरूर ज्वाइन करें, ताकि मैं पूरे क्लास का शेड्यूल बता सकूं, ठीक है। तब तक के लिए अपना